हे दोस्तों, एजुकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस के बारे में देखने वाले हैं। तो जब हम पार्टिंग लाइन की बात करते हैं तो कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस नजर, ठीक है। तो या तो आपको पार्टिंग लाइन नजर आएगी, या तो वो एज पे रहेगी, या तो मिड कंपोनेंट में रहेगी, या तो आप उसको देख सकते हो अपनी आंखों से, या तो किसी कंपोनेंट के एज पे रहने वाले, राइट। ठीक है, व्हाट इज पार्टिंग लाइन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि पार्टिंग लाइन होता क्या है। देखो, बेसिकली ये एक लाइन है जहां पर आपका मोल्ड का एक हाफ और मोल्ड का दूसरा हाफ, या फिर कोर और कैविटी आपस में जब मेट करते हैं तो वहां पर एक पार्टिंग लाइन जनरेट होती है। और उस जो पार्टिंग लाइन जनरेट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये कैविटी और कोर है, तो अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्लोज करने पर एक पार्टिंग लाइन क्रिएट होगी, राइट। और ये पार्टिंग लाइन के कारण ही हमारे पास क्या बनती है, पार्टिंग सरफेस क्रिएट होती है। देखो यहाँ पर पार्टिंग लाइन आपको कुछ इस तरह से नजर आने वाली है। पार्टिंग लाइन इस तरह से रहेगी और पार्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से दिखने वाली, राइट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिंग लाइन कितनी तरह के होते हैं? देखो भाई, फ्लैट पार्टिंग लाइन, नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन और कॉम्प्लेक्स पार्टिंग लाइन, इतनी तरह के टाइप्स होते हैं पार्टिंग लाइन के। ठीक है, देखो किस तरह से यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिंगल प्लेन, टू और मोर प्लेन, मेनी पॉइंट और कर्व। ठीक है, सिंगल प्लेन मतलब एक ही प्लेन पर हमारा पार्टिंग सरफेस है, टू और मोर प्लेन मतलब दो या दो से अधिक यहाँ पर क्या हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं जिस पर पार्टिंग लाइन अवेलेबल रहेगी। और मेनी पॉइंट्स ऑन कर्व इट मींस हमारा जो कंपोनेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। खोल के देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इसका कोर कैविटी नजर आ गया होता है, राइट, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो फ्लैट पार्टिंग लाइन का कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पर आपको जो भी पार्टिंग लाइन नजर आएंगे वो एक फ्लैट सर्फेस पर नजर आने वाले हैं, राइट। सेकेंड चीज, यहाँ पर जो आपके पास कंपोनेंट दिख रहा है ये नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन का है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स आने वाला है, कुछ कर्व क्रिएट होने वाले हैं, इसकी पार्टिंग लाइन अलग अलग प्लेन पे रहेगी, दैट्स व्हाई नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन, जो कि इसमें एंगल भी हो सकता है, राइट। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स पार्टिंग लाइन कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये एक चेयर का कंपोनेंट है, इसका जो कोर और कैविटी और साइड कोर जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस से जनरेट होगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3D कर्व और सर्फेसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी कोर और कैविटी को डिजाइन कर रहे हो फॉर एनी टाइप ऑफ कैड कंपोनेंट, किसी प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए, तो आपकी सॉफ्टवेयर स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। हाँ बिल्कुल सही, ओके। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।